हाय गाइस, वेलकम टू सत्याज व्लॉग्स एंड फन। भारत का हर राज्य अपनी किसी न किसी खास चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। इसी कड़ी में अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ का भोरमदेव मंदिर खासा आकर्षण का केंद्र रहा है, जो कि जनजातीय संस्कृति, स्थापत्य कला और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। चूँकि भोरमदेव मंदिर की तुलना मध्य प्रदेश के खजुराहो और उड़ीसा के सूर्य मंदिर से की जाती है, ऐसे में इसको जानना दिलचस्प होगा कि छत्तीसगढ़ का भोरमदेव, जहां काम कला से सराबोर मूर्तियां बरबसी इंसान को हजारों साल पहले के भारत में ले जाती हैं। भोरमदेव मंदिर की मान्यता सिर्फ इसलिए नहीं है कि वह एक मंदिर है और वहां शिव जी भोरमदेव के रूप में विराजते हैं, इससे बढ़कर इसकी मान्यता इसलिए भी है कि इसका धार्मिक और पुरातात्विक महत्व है। भोरमदेव का मंदिर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के गृहग्राम कवर्धा जिले से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। इसके पूर्व में मैकाल पर्वत श्रृंखला है, जो इसे और भी सुरम्य बनाती है। कवर्धा एक छोटा सा ज़िला है जो अपने में किसी बड़े शहर के मानिंद खूबसूरती समेटे है। इसी कवर्धा में भोरमदेव मंदिर का रास्ता है, जो हरा भरा और शांत है। धीरे धीरे घने होते वन और उनके बीच सिमटता मंदिर सच में स्वर्ग का एहसास करवाता है। भोरमदेव के बारे में मान्यता है कि वह शिव के ही एक अन्य रूप है, जो गोंड समुदाय के पूजनीय देवता हैं। इन्हीं भोरमदेव के नाम से इस मंदिर का निर्माण हुआ। इसके आसपास और भी देवी देवता जैसे वैष्णव, जैन और बौद्ध प्रतिमाएँ भी हैं, किंतु शिव के मंदिर की भव्यता यह साबित करने के लिए काफ़ी है कि मंदिर के शासक नागवंशी शिव के परम भक्त थे। शायद यही कारण है कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव यहाँ भी शिवलिंग रूप में विराजमान है। मुख्य मंदिर दो भागों में विभाजित है। इसके बड़े भाग यानी मुख मंडप में शिवलिंग है, जो एक ऊँचे मंच पर स्थित है। यह शिवलिंग पूर्वमुखी है। शिव के अलावा विष्णु और उनके कई अवतार जैसे नरसिंह, वामन, नटराज, कृष्ण आदि की मूर्तियां हैं। साथ ही भगवान गणेश, सूर्य और काल भैरव भी यहां देखने को मिल सकते हैं। अपने छत्तीसगढ़ गढ़ों यानी किलों के कारण छत्तीसगढ़ का नाम पड़ा। स्थापत्य कला के अनेक उदाहरण आपको यहां देखने को मिल जाएंगे, किंतु भोरमदेव की स्थापत्य कला सबसे जुदा है। इस मंदिर का सौंदर्य आपको खजुराहो, अजंता एलोरा और कोणार्क की याद दिलाता है। यही कारण है कि बोलचाल की भाषा में इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। यहाँ की कामुक मूर्तियाँ यकीनन काफ़ी सुंदर हैं। इस मंदिर में 54 की संख्या में मूर्तियाँ हैं, जो काफ़ी सुंदर हैं। मंदिर में 54 मूर्तियाँ हैं, जो कामसूत्र के विभिन्न आसनों से प्रेरित हैं। लोग इसे शाश्वत प्रेम और सुंदरता का प्रतीक मानते हैं, तो कई इनकी कला को देखकर अभिभूत होते हैं। इस मंदिर के आधार पर नागवंशी शासकों को खजुराहो शासकों के समकालीन माना जाता है। मंदिर में जो भी निर्माण कार्य किए गए हैं, उन्हें देखकर लगता है कि ये खजुराहो से प्रेरित हैं। हालांकि यह कितना सच है कुछ कहा नहीं जा सकता। यह मंदिर 11वीं शताब्दी के आसपास बना कला का बेहतरीन नमूना है। अगर शैली की बात की जाए तो इसके हर भाग में कलाकृतियां बारीकी से घेरी गई हैं। मंदिर में सिर्फ कामुक मूर्तियां ही नहीं, उस काल का पूरा जीवन दिखता है। संभोग तो है, पर साथ ही नाच गाना, भक्ति और वह सब मुद्राएं हैं जो खुशहाल जीवन का प्रतीक हैं। नाचते गाते आदिवासी उस काल के जीवन दर्शन को दिखाते हैं, जहां कोई भेदभाव नहीं था। सब साथ में मिलकर नाच गाकर उत्सव मनाते दिखते हैं। उत्सव भी साधारण उत्सव नहीं, प्रेम का उत्सव। हर दीवार और स्तंभ के लोग बस एक ही काम में व्यस्त हैं, और वह है प्रेम क्रीड़ा। स्त्री पुरुष के परम प्रेम की परिणति काम क्रीड़ा को परिलक्षित करती है। वहीं यहाँ की दीवारें कह रही हों, प्रेम और प्रेम का एहसास बस यही है। भोरमदेव की स्थापत्य नागर शैली है। खजुराहो और कोणार्क के समान यहाँ भी 3 समानांतर क्रम में प्रतिमाओं को उकेरा गया है, जिसमें से प्रमुख रूप से शिव की विभिन्न लीलाओं का प्रदर्शन है।
भोरमदेव महोत्सव ने देश में छत्तीसगढ़ को प्रतिष्ठा दिलाने का काम किया है। यह महोत्सव आज देश के प्रसिद्ध कलाकारों को मंच देने का काम करता है। 1995 में स्थानीय प्रशासन द्वारा एक दिन के लिए मनाया जाने वाला यह महोत्सव अब राज्य सरकार द्वारा 3 से 4 दिनों के लिए मनाया जाता है। यह मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह में आयोजित होता है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? ऐसी अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।